काका आप हमेशा मुझे क्यों कोसते रहते हैं? आप तस्वीर में तब्दील हो गए, इसमें मेरी गलती नहीं है और लोगों के गायब होने में भी मेरी गलती नहीं थी। इसमें गलती मौसम की थी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था। मौसम की गलती? मौसम की गलती की क्या बात हो रही है? जुकाम, मौसम की गलती है, इसी की बात हो रही थी। और वजीरे आला, आप जमीन में क्यों पड़े हुए हैं? हमारी सरजमीन मतलब अपने बगदाद की जमीन को सलाम कर रहे थे। देखिए ऐसे सरजमीन बगदाद, अस्सलामु अलैकुम, हमारा नाम सफर है, उठना मेरा मकसद, गिरना मेरा ईमान। पूरा बगदाद अपनी माएं, बीवियों, बहनों को लेकर परेशान है। आपकी शहजादी तक लापता है और आप दोनों में से एक जमीन पर लेटा हुआ और दूसरा बेहूदा मजाक कर रहा है। आप दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने अली साहब। जुनैद मियां, आपको शर्म आनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? जो आपने कहा वही हो रहा है, शर्म आ रही है। लगता है आपको और आपके भाई को शहजादी की बिल्कुल फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे मेरी बहन की फिक्र है वजीर आला। मैं और मेरे घर वाले आपके मेहमान हैं, उनकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है वजीर आला। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आपकी बहन हमारी बहन, हमारे भाई की बहन। मेरी आंखों को ताना दी, सारा जी, मेरी बहन। सुनो जुनैद, अली साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तुम्हें चाहे आसमां और जमी एक क्यों ना करने पड़े, लेकिन तुम इन सारी लापता औरतों को वापस ले आओ, और ये हमारा हुक्म है। पहले आप कहिए कि सारा जी मेरी बहन नहीं है। देखो, हमारे पास ये सारी फिजूला बातों के लिए वक्त नहीं है। जुनैद वक्त नहीं है। अच्छा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपका ये ढोल जैसा भाई कुछ कर पाएगा, इसलिए आपको और कोशिश करनी पड़ेगी। अली साहब, हम हर एक कदम बहुत सोच समझ कर उठा रहे हैं, तो फिर जल्दी सोचिए वजीर आला। क्योंकि मेरा दिल कहता है कि इस हादसे के पीछे कोई जादुई काली ताकत है। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? मैं सही बात कर रहा हूँ वजीर आला। मुझे लगता है कि उस काली ताकत का जरूर उस रेगिस्तान में बनी सोन मीनार का कोई ताल्लुक है, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। इन औरतों के गायब होने के चक्कर में हम ये भूल ही गए, इस खबीस ने सोन मीनार को देख लिया है। मैंने उस मीनार के पास से वही हरी रोशनी आते हुए देखी जिसका जिक्र पूरा बगदाद कर रहा है, और थोड़े वक्त बाद वो रोशनी गायब हो गई। फिर मैंने आप दोनों को वहां से आते हुए देखा। उस वक्त आप वहां पे कैसे पहुंचे? अली साहब, ये कोई वक्त है इस बात का हिसाब रखने का कि हम कब गए कब आए। अली साहब, बड़ा ही नाजुक मौका है, और गौर इस बात पे फरमाना चाहिए कि हमारे जो माएं हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो कैसे लौट कर आएंगे।
हमारे शहजादे को वापस लाने का, और हम पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे। तो हमें सबसे पहले उस सोन मीनार पर धावा बोलना चाहिए। कोई हैवानी होगा जिसने हमसे हमारी सारा आपा को छीन लिया। सारा आपा आप कहाँ हैं? हम आपको बहुत याद करते हैं। हौसला रखो तुम भी है? क्योंकि हम जानते हैं कि इस महल में हमारे और भाईजान के अलावा अगर कोई सारा आपा की फिक्र करता है तो तुम हो। सारा आपा हर वक्त हमारी बातें करती रहती थी। गाना बनने से थोड़ी देर पहले भी मुझे ही पूछ रहे थे कि तुम कहाँ का है अब। गायब, तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो खुद ही गायब हो गई है। तुम्हारी सारा आपा जहाँ कहीं भी होंगी ठीक होंगी, जल्दी लौट आएंगी। चाल काम कर रही है। जिनू जिनी मिनी को लेकर बड़ा जज्बाती है, और जज्बाती जिन कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करता है। पता नहीं सारे आपा कब वापस आएंगी। आएंगी मुझे नहीं। अरे आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? कौन आएगा? मैं लाऊंगा। सच? हाँ। मैंने क्या कर दिया? जीनू ने हमारा काम कर दिया है, पर नाटक अपनी जगह। जीनी मिनी, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं, जल्दी आओ। जल्दबाजी में लिया हुआ हर एक फैसला नुकसान का ही होता है। अली साहब, हम आपकी बात को समझते हैं, लेकिन हम एक ऐसे मीनार पर हमला करने की सोच रहे हैं जिसका इल्म ना किसी को है ना कोई जानता है, तो कैसे? तो आपके हिसाब से हम सबको हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए। लोगों के घर वाले तो गायब हो रहे हैं, होने देते? ठंडे दिमाग से सोचो वजीर आला। मुझे तो लग रहा है कि आपका जोश ही ठंडा पड़ गया है। अली साहब, हम आपकी इस वक्त की हालत को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप अपनी बहन के खो जाने के गम में इस तरीके की बातें कर रहे हैं हमसे, और हम बुरा नहीं मानेंगे आपकी बातों का, लेकिन आपसे एक बात कहना जरूर चाहेंगे। हमने भी बहुत कुछ खोया है, अपनी शहजादी को खोया है हमने, इस मुल्क की बहुत सारी औरतें लापता हो चुकी हैं, और बगदाद के वजीर आला होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें वापस ले आए। इसीलिए अली साहब, ये कहना कि हमारा जोश मर चुका है गलत होगा। आप हमला करना चाहते हैं, कर देंगे, लेकिन हमारा बस यही कहना है कि हम एक मर्तबा हमारे सिपाहियों को भेजकर इस बात की तहकीकात करना चाहते हैं, उसके बाद फैसला ले लेंगे। बड़े से बड़ा धोखेबाज मेरी नजरों को धोखा नहीं दे सकता वजीर आला।
आप माने या ना माने, वहां पे सोन मीनार है और वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको जो करना है, जिसे भेजना है, जल्दी से छानबीन करवाइए, क्योंकि मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे आप? वही जो मेरा हक है। पता नहीं आपको याद है या नहीं, लेकिन ये महल अभी भी मेरे नाम है। इस बात का, इस मुसीबत से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है वजीर आला। अगर आपने इस मुसीबत का हल नहीं ढूंढा तो मैं इस महल की बागडोर अपने हाथों में ले लूंगा। महल भी मेरा और यहाँ के फैसले भी मेरे। फिर आपकी मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे वजीर आला? चंगेजी की तरह पूरा बगदाद रो रहा है। घरों से औरतें गायब हो गई हैं, अभी आंगन छूने पड़ गए मेरी वजह से। जो बहुत रोना रहा है। खाला, शहजादी गायब कैसे हो गई? वापस कब आएगी? इसके साथ कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक तो है ना जहाँ पे भी है? उन्हें कुछ नहीं होगा बेटी, क्योंकि ऊपर वाला अपने हर बच्चे से बहुत प्यार करता है। शहजादी और जितनी भी औरतें गायब हुई हैं, ऊपर वाला उन्हें सही सलामत घर भेज देगा। पर खाला, उन्होंने सबको ऐसा गायब क्यों होने दिया? नहीं बेटी, ये काम ऊपर वाले का नहीं, हमारे ही बीच रहने वाले किसी दरिंदे का। इसने छोटे छोटे बच्चों से उनकी माँ छीन। माँ बाप से उनकी बेटियां छीन ली। पर वो भूल गया कि ऊपर वाला सब देख रहा है। हम जैसा सुलूक दूसरों के साथ करते हैं, ऊपर वाला वैसा ही सुलूक हमारे साथ करता है। तू देखना पिती, जितने भी मासूम गायब हुए हैं ना, ऊपर वाला सही सलामत उन्हें वापस भेज देगा। और उस दरिंदे को उसके गुनाहों की सजा जरूर देगा। दरिंदा? लेकिन मैंने तो वो किया जो आका ने कहा। बस अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो कुछ भी गलत हुआ है उसे सही करना होगा। आका, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मौसम खराब है, रुक जाइए, लेकिन आप माने ही नहीं। हर मर्तबा एक ही बहाना, कब तक दोगे? सौ बार, हजार बार, बार बार दे। क्या कहा आपने? बहाना? मैं आपको बहाना दे रहा हूं? हाँ, बहाना दे रहे हो। हमने तुमसे कहा था कि सोन मीनार पर अपना जादू करके उसकी हिफाजत करो। कोई जादू नहीं हुआ, कोई हिफाजत नहीं हुई। हुआ क्या? अली ने उस सोन मीनार को देख लिया और अब हमला बोलना चाहता है उस पर। छोटा सा जादू तो हो नहीं सकता तुमसे। लेकिन जबान लड़ा रहे हो। छोटा सा जादू? आका, खरगोश को चूहा नहीं बनाना था, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत सोन मीनार को गायब करना था। और जादू के अपने तौर तरीके होते हैं आका, जो आपको तो समझ में नहीं आएंगे। बस आप एक ही रट लगा के बैठे, राज़े कायनात। तमीज! अपनी औकात मत भूलो तुम, और ये मत भूलो कि तुम हमारे गुलाम हो।
और एक गुलाम का फर्ज बनता है कि ये अपने आका के हुक्म की तामील करे। वही करता आया हूँ आका, इसीलिए सोन मीनार बनाने के लिए सोना मैंने आपको मुहैया कराया, क्योंकि मुझे पता है आपका दिल बगदाद पे हुकूमत करने से नहीं भरेगा, आपको तो पूरे कायनात पे हुकूमत करनी है, वो तिलिस्मी काली ताकतें हासिल करनी है जिन तक पहुंचने की कोशिश आपसे पहले इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी मलिका ने की थी। और इस मंसूबे को पूरा करने के लिए आपको शाही खून की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आपने आज तक शहजादी को जिंदा रखा है। आका, ऐसे ना जाने कितने राज आपके मैंने अपने सीने में दफन कर रखे, लेकिन आज भी मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन ये नहीं भूल सकता कि आप मेरे आका हैं और मैं आपका गुलाम। मैंने आपसे कहा था ना, ये बहुत गिरा हुआ इंसान है, देखिए आज यहां कमरे में भी गिर गया। अली साहब आइए, आइए। लगी तो नहीं आपको? बैठिए ना। ये आप दरवाजे पे खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं, वो मैं गुजर रहा था तो मुझे कुछ सुनाई दिया, मैंने पूरी बात नहीं सुनी। तो फिर क्या आप हमारी जासूसी कर रहे थे? हे वजीरे आला, आप दोनों की जासूसी क्यों करूंगा, इत्तेफाक से थोड़ी बहुत बातें सुन ली बस। तो फिर ये भी बता दीजिए कि आपने क्या क्या सुना। क्योंकि इत्तेफाक से आपकी जान भी जा सकती है। वजीर आलम, मैंने वाकई कुछ नहीं सुना, आपके गुलाम की कसम। मैं आप ये बताइए कि आपको ये कैसे पता चला कि ये हमारा भाई नहीं पर गुलाम है? अरे हाँ आका, इसे कैसे पता चला कि मैं आपका गुलाम हूँ? क्योंकि इसने हमारी हर एक बात सुन ली। और क्या क्या सुना आपने, बताइए। कुछ भी नहीं वजीर आलम, कुछ भी नहीं सुना मैंने। हम बताते हैं आपको, आपने क्या सुना? आपने सोन मीनार के बारे में सुना, आपने सोन मीनार के राज के बारे में सुना। आपके दिल में बहुत सारे सवाल थे ना? आज हम आपको आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। और फिर हम आपकी जान ले लेंगे। आपने इत्तेफाक से ये तो सुन लिया कि ये हमारा भाई नहीं गुलाम है, लेकिन आपने इत्तेफाक से ये नहीं सुना होगा कि ये इंसान नहीं जिन है। और वो भी दुनिया का सबसे ताकतवर जिन। Oh,
जिन वजीर आलम आप हमारे मेहमान हैं और हम मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए चिराग के जिन अली साहब को बाइज्जत मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतार दिया। अली साहब आप हमारे मेहमान हैं, हम मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए चिराग के जिन अली साहब को बाइज्जत मौत के घाट उतार दिया जाए। और सर जिन कर रहे वापिस अली साहब। जीराला ये बड़े भाई साहब कौन है? जुनैद हमारा चिराग का चिन्ह। जुनैद जुनैद साहेब, आज मेरी नजरों में आपका कद बहुत ऊंचा हो गया है। खुशामद जिंदगी की जाती है, मौत की नहीं। और ये आपकी मौत है। जुनैद जुनैद मेरी सास जुनैद मेरी सास इतना बुरा हुआ पर क्यों? जब बेटे पास थे तब उन्हें खोने का डर था, आप ये डर क्यों? ऐसे दिल क्यों घबरा रहा? बेटे चाहे कितने भी दूर चले जाए पर मां के दिल के हमेशा करीब रहते हैं।
या अल्लाह, मेरा एक बेटा तेरे पास है और दूसरा पता नहीं कहाँ। एक माँ बस इतनी ही दुआ कर सकती है, मेरे दोनों बेटों पर अपना रहम बनाए रखना। जिराग के जिन इन्हें छोड़ दो। हमने कहा इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो इन्हें। अली साहब, हमने सोचा था कि हम आपकी जान ले लें, लेकिन दोस्ती बीच में आ गई। अगर ये दोस्ती है तो दुश्मनी कैसी होती है? दुश्मनी होती तो आप जिंदा नहीं होते। लेकिन क्या करें अली साहब, क्या करें? आपसे एक रिश्ता संबंध में है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए वजीर आला। चलिए बताइए, क्या सुना आपने? क्या सुना? हम बता दें, आपने राज कायनात के बारे में सुना। और अब तो आप हमारे जिन से भी रूबरू हो चुके हैं। सारे पर्दे खुल चुके हैं। हर एक राज आप जान चुके हैं। पर फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा वजीर आला कि दुनिया के सबसे ताकतवर जिन के आका आप हैं। यकीन कर लीजिए, क्योंकि ये जिन वही करता है जो हम इसे कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है वजीर आला। माना कि उम्र में आप बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे ताकतवर जिन, इतना बड़ा जिन, आपकी बात मानेगा। आप जो कहेंगे इसे ये वो करेगा। आपको हम पर शक है? ठुमका लगाने को कहेंगे तो क्या लगाएगा? लगाएगा है? मैं नहीं मानता। अच्छा ठीक है, कहिए। ये हमारा हुक्म है। यकीन आया आपको अली साहब? यकीन? बेहतरीन वजीर आला। देखिए उमराव जान। माफ कीजिएगा, वो आपने इतना अच्छा नाचा ना कि मेरी जुबान फिसल गई। जिन जी थोड़ा नीचे आइए ना, आइए ना। चिरागे जिन, मुझे माफ कर दीजिए, ना जाने मैंने आपको क्या क्या कहा।
ढोल मोटू कद्दू तरबूज फूली हुई रोटी आलू का पराठा हाथी का अंडा भैंस की अरे आप नाराज मत होइए अब से मैं आपको ये सब कुछ भी नहीं कहूंगा मुझे माफ कर दीजिए जिन जी ठीक है लेकिन पहले तुम वादा करो कि अगली बार मेरी बेइज्जती नहीं करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं आपकी बेइज्जती इज्जत से करूंगा मतलब ये कि अब मैं आपको ढोल नहीं बुलाऊंगा जनाब ढोल साहेब बुलाऊंगा जनाब ढोल साहब माफ किया शुक्रिया जिन जी हमें सोन मीनार पूरा करने के लिए तुम्हारी जरूरत है अली और अच्छी बात यह है कि तुम हमारी ताकत और हमारे जिन दोनों से वाकिफ हो अब हमें धमकाने का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा चाचा दूर दूर से बहुत देख लिया तूफान में कूद पड़ने का वक्त आ गया है मैं अंदर जाकर जफर को सब बता दूंगा कि मैं उसके सच के बारे में सब जानता हूं आका ये आप क्या कह रहे हैं वो कमीना जफर आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा नकचड़ी चिनी मिनी और उनके साथ लापता कई मासूमों की जान खतरे में है सोन मीनार और राजे कायनात की वजह से इन सबकी जान खतरे में है इनके आगे मेरी जान कुछ भी नहीं है मुझे अंदर जाना होगा और सफर को सब कुछ बताना होगा तुम फौरन जाके बुलबुल चाचा को सब कुछ बताओ ठीक है ठीक है खतरा तो बहुत बड़ा था पर बड़े फायदे के लिए बड़ा खतरा उठाना पड़ता है तुम खतरा उठाने की बात नहीं कर रहे हो जनाजा उठाने की बात कर रहे हो अगर हमारी दुनिया और मलिका की दुनिया के बीच का दरवाजा खुल गया तो हमारी दुनिया की रुई बर्बादी की आग में जल जाएगी हम जानते हैं बुल्लू कौन है बुल्लू बुल्लू कौन है बुल्लू बुल्लू तुम हम तुम्हारे जैसे मासूम बच्चों को ऐसे ही नाम दिया करते हैं बुल्लू लू 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 कितना मासूम बच्चा है ले 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 ले। जब शक्ल मूंगफली की जैसी हो ना तो बादाम जैसी बातें नहीं करते क्या कहा हमारी शक्ल है मूंगफली जैसी और तुम्हारी बादाम जैसी याद रखना हमें बादाम तोड़ने का भी 1500 साल का तजुर्बा है तजुर्बे के पेड़ से पत्ते गिनने वाले लंगूर मैं तुझे मुंह लगाना नहीं चाहता वो तो तुझे अपने लाडले की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूं पता नहीं मेरा लाडला किस हाल में होगा उसकी जिंदगी का कबूतर कौन से जाल में होगा वाकई ये पता करना तुम्हारे जैसे बच्चे को सबक सिखाने से ज्यादा जरूरी है आका जफर के सामने आ तो गए अब अल्लाह जाने कि वो जफर आका का क्या करेगा वो मेरा लाडला है मुसीबत के पहाड़ को अकल की कुल्हाड़ी से काट ही लेगा फिलहाल हमें अपने दिमाग की कश्ती को राज़े कायनात की तरफ घुमा लेना चाहिए चंदू चंदू हमें चंदू मत कहो बुल्लू चंदू बुल्लू 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 चंदू बुल्लू 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 वज़ीरे आला आप इस दुनिया और मलिका की दुनिया के बीच का दरवाजा खोलना चाहते हैं मरहबा मरहबा आज पता चला कि आपके इरादे तो आसमान से भी ऊंचे पर वज़ीरे आला ये दरवाजा खुलने से होगा क्या
सबर रखिए अली साहब। महबूबा और राज दोनों एक जैसे होते हैं, धीरे धीरे खुलते हैं। जिन आका के काम आए, हाथ आका के जाम आए। तशरीफ रखिए। मैं सेब के रस में अंगूर का रस मिला के पीता हूं। तो पी लो। वैसे वजीरे आला, आपको देखते ही मैं समझ गया था कि आप दिखने में मामूली हैं, लेकिन है नहीं। मेरा मतलब यह है कि आप जितने खास दिखते हैं उससे बहुत ज्यादा खास हैं। आजकल लोग इश्क, माशूका, मोहब्बत, दौलत, इन सब का ख्वाब देखते हैं, और आपका ख्वाब आपके जिन के पेट जितना बड़ा है। hey, तुमने फिर मेरी बेइज्जती की। मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे पेट को बोला। और बड़ा होना बेइज्जती? अगर मैं जफर साहब को इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कह रहा हूँ तो क्या ये बेइज्जती है? नहीं नहीं नहीं, मानो ना मानो, आप दोनों बहुत बड़े वाले हैं। शुक्रिया शुक्रिया। वजीरे आला, आप दुनिया के शहंशाह बन जाएंगे। तो आपका दोस्त कहलाने में मुझे बहुत फख्र होगा वजीरे। हमें आपसे यही उम्मीद थी अली साहब। इस दुनिया और मलिका की दुनिया के बीच का दरवाजा बनाने में मैं आपकी मदद करूंगा वजीरे आला। आपको जितना सोना, जितनी दौलत चाहिए, सब मिलेगा, वो भी बिना किसी शर्त के। अली साहब, अब तक हम दोस्त थे, पर अब दो जिस्म और एक जान बन गए। अब हमारा ख्वाब भी एक है और मंजिल भी और परेशानी भी। मेरी बहन शहजादी यास्मीन, बाकी औरतें जो लापता हैं, हमें उन्हें वापस लाना होगा वजीर आला। राज़े कायनात को शुरू करने से पहले हमें इन सब को वापस लाना होगा। जरूर जरूर अली साहब, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इस तलाश को कहां से शुरू करें। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अली साहब, आपको जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि राज कायनात किसी का इंतजार नहीं करता। बचपन में भैंस खरीदी थी, चप्पल चुराने के लिए रास्ते में रुका तो भैंस खो गई। या अल्लाह, अगर वो हादसा फिर से हो जाता तो तेरा क्या चला जाता। मैंने तुझसे कौन से जन्नत मांगी थी, सिर्फ इतना ही तो मांगा था कि मेरी बीवी गायब हो जाए, वो खो जाए। तो क्या हुआ मुस्तफा, क्या तुम्हारी बीवी खो गई? सबकी ऐसी किस्मत नहीं होती शारिक भाई। आपकी बेटी गायब हो गई, इनकी बीवी गायब हो गई, लेकिन मेरी बीवी भी नहीं हुई। पिती, सारी औरतें गायब हो गई, बस नाज़नीन भाभी, तुम और मैं, हम तीनों यहाँ हैं। हाँ खाला, पता नहीं क्या राज।
राज? मतलब इन दोनों को औरतों के गायब होने का राज पता है। मुझे इनका पीछा करना चाहिए। हो सकता है वो हसीन हादसा फिर से हो जाए, मोटी भैंस गायब हो जाए। आका, उस जादुई दीवार ने मुझे उन कांटेदार जालियों के आगे जाने ही नहीं दिया। और देखिए ना, धूप में मेरा चेहरा कैसा हो गया। बदतमीज नौकर, हम दुश्मनों का गला काटने वाली तलवार बनते हैं और तुमने हमें सेब काटने वाला चाकू बना दिया। ये आखिरी बार था। आप क्या सोच रहे हैं का? कल रात के बारे में अंगूठी छाप। जब मैंने गायब औरतों को वापस लाने की बात की तो जफर ने ज्यादा जोश नहीं दिखाया। जोश दिखाने का तो हमें 1500 साल का तजुर्बा है, पर अभी हमें चिनी मिनी की फिक्र है। मेरी प्यारी चिनी मिनी, पता नहीं मेरे बगैर कहां उदास बैठी होगी। अच्छे घर की लड़कियां ऐसे अपने घर के नौकरों को याद नहीं करती। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? इन मामलों का हमें 1500 साल का तजुर्बा है। और मार खाने का कितने हजार साल का तजुर्बा है चचा? अगर हमारी बातों का बुरा लग गया हो तो हमें माफी मांगने का भी 1500 साल का तजुर्बा है। अच्छा, ठीक है, तुम मांगो माफी। तो पहले तुम्हें हमें इस सेब की टोकरी में से ढूंढना होगा। मैं तुम दोनों को अपनी चाल के बारे में बता रहा था। और मेरी गुल्लू, यही मेरी चाल है। मैं तुम दोनों को अपनी चाल के बारे में बता रहा था। और मेरी गुल्लू, यही मेरी चाल है। जाने मन तेरे बिना मेरे ये दिन कैसे कटेंगे। कुर्ते तो फट चुके हैं, अब क्या कच्छे भी फटेंगे। बदन, अपने क्या हाल बना रखा है तुमने? गुलबदन, फिक्र मत करो, वजीरे आला ने तमाम गायब औरतों को वापस आने का जिम्मा उठाया है, वो जरूर लेके आएंगी, डरो मत। उम्मीद की रोटी पकी, आटे को गूंद के लाएंगे जफर मिया मेरी गुल्लू ढूंढ के। अब सब कुछ खा लो। अरे गधे गुल्लू, अगर ये सेब चाचा हुआ तो। आका, गुल्लू को रोकिए। आने लगी है खुशी मेरी जेब में। गुल्लू मेरी, चेहरा तेरा दिखता है सेब में। मेरी गुल्लू, मतलब
तुम्हारी गुल्लू, तुम्हारी गुल्लू जिस सेब में दिख रही है वो सेब तुम खा लोगे गुलबदन। बदतमीज गुलबदन, जाकर अपनी खुशी पूरे बगदाद में बांटो और बता दो लोगों को कि वजीर आला क्या करने वाले हैं। मारे खुशी बगदाद में नाचूंगा गाऊंगा, पर उससे पहले यारा मेरे ये सेब मैं खाऊंगा। सेब नहीं, सेब नहीं, सेब नहीं, क्यों सेब नहीं? मेरे गुलू, 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 सेब नहीं, केला खाओ, केला, और छिलका अपने अब्बू को डाल देना। जाओ 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 जाओ। शाबाश झुमरू, इल्ला बंद करो चाचा, उधर देखो। अरे कब तक बीवियों को याद करके आंसू बहाते रहोगे? जरा सोचो कि बगदाद से कितनी सारी औरतें गायब हुई हैं, लेकिन वो दोनों गायब नहीं हुई, वो जरूर कोई जादू वादू जानती हैं। मुस्तफा आदमी घटिया है, मुर्गी चोर है, बाजी है, लेकिन कहता बिल्कुल सही है। हाँ हाँ सही कह रहे हो। विधि, जब औरतें गायब हुई तू कहाँ थी? तो शहजादी के कमरे में गई थी। शहजादी, शहजादी गुस्ताखी के लिए माफ। और आप कहाँ थी? मैं तो सब्जी खरीद रही थी। सब्जी? औरतों के गायब होने और सब्जी के बीच कोई गहरा रिश्ता लगता है। इन दोनों बातों का तो आपस में कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर औरतों के गायब होने की क्या वजह हो सकती है? वजह? क्या वजह हो सकती है? पता नहीं क्या होगी वजह, है? कुछ तो होगी ना। खाला, ये कैसी आवाज आ रही है? मक्खियां भिनभिना रही है, वैसा वाला कुछ। सुना, हमें मक्खियां बोल रही है। झिंगुर, झिंगुर की आवाज है। झिंगुर? जब हमारी औरतें गायब हुई तब तुम दोनों क्यों नहीं गायब हुई? जवाब दो। शहजादी गायब हुई और तुम दोनों कनीजे यहीं रह गई, भला कैसे? देखिए आप। अरे मियाँ, इनके शौहर गद्दार थे और इनका बेटा भी, उसने साजिश की, इसने भी साजिश की होगी, तभी तो ये गायब नहीं हुई। सब के सब गधे हैं। मैं तो अपनी बेगम को भी गायब करने का राज जानना चाहता था। इनसे कहा था खामोशी से पीछा करें, लेकिन ये तो इल्जाम लगाने लगे। चुप हो तो। बड़ी बेशरम औरत है, इतना सब कुछ हो गया फिर भी बगदाद नहीं छोड़ा। कोई शर्मदार औरत होती तो अपनी जान दे देती। खबरदार, किसी ने एक भी लफ्ज और कहा तो। बगदाद के लोगों, वजीर आला को आपके दर्द और गमों का एहसास है। उन्होंने कसम खाई है कि वो बगदाद की खोई हुई औरतों को वापस ला कर रहेंगे। ये जिम्मेदारी ली है उन्होंने, उसके लिए जमीन आसमान एक करना पड़ जाए तो वो करेंगे, आपका दरिया पार करना पड़ जाए तो वो करेंगे, लेकिन आप सबकी माओं, बीवियों, बहनों को वापस ला कर रहेंगे। हाँ, आपकी तरह मैं भी अपनी गुल्लू को याद कर रहा हूं। आए, वो मेरा चांद, मेरा जुगनू, मेरी मोहब्बत, मेरी लालटेन, सब थी वो, इनकी सब थी।
वजीर आला की तरफ से मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि बगदाद की खोई हुई औरतें वापस आएंगी। वजीर आला, वजीर आला, सलामत रहे, वजीर आला, सलामत रहे, वजीर आला, सलामत रहे, वजीर आला, सलामत रहे, वजीर आला, सलामत रहे। एक तीर से दो निशाना लग गया। पहला, अब जफर के पास औरतों को वापस लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। दूसरा, अब कोई अम्मी को परेशान नहीं करेगा। चलो मियाँ, वजीर आला का शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। अब महल में क्या नया गुल खिलेगा, मुझे फौरन महल पहुंचना होगा। आप इंसान नहीं, फरिश्ता हो वजीर आला। वजीर आला सलामत रहे। हम शैतान हैं, हमें फरिश्ता कहकर हमें गाली देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वजीर आला, आपकी तो हम गरीबों का सहारा है। शेर बकरियों का सहारा नहीं होता कमबख्तों। ये सब क्या हो रहा है? वजीर आला, आप ही तो एक बहादुर है जिसे अपनी जान पर खेलकर हमारी बीवियों, माँ और बहनों को वापस लाने का फैसला लिया है। इस खबर की इत्तला आप लोगों को किसने दी? आपके जानी दोस्त सौदागर अली ने। उनके ये बताने के बाद पूरे बगदाद में खुशी की लहर दौड़ गई। सलामत रहे। हमें आप सबकी माँ बहन बीवियाँ वापस लाने के लिए बहुत जरूरी तैयारियां करनी होंगी, इसलिए हम चाहते हैं कि फिलहाल आप सब घर जाएं। अली के बच्चे को तो आज हम जिंदा दफना देंगे, जान ही ले लेंगे उसकी। यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी, अब तो देख देख के दुनिया जलने वाली। अरे मेरे दोस्त, मेरे हमदम, शुक्रिया कहने आ रहे थे ना, मैंने कोई एहसान थोड़ी ना किया है। अली साहब, हम आपका शुक्रिया अदा कर नहीं। क्या बात है लाला, आपकी दोस्ती कैसी अभी तक याद है? शुक्रिया। आपने वो ऐलान क्यों किया? आपके लिए किया। पूरा बगदाद वजीर आला सलामत रहे के नारे लगाएगा, सब आपसे मोहब्बत करेंगे वजीर आला। अब औरतों को कोई भी लाए, लेकिन सहरा तो आपके सर पर बंधेगा। अरे उन्हें लाएगा कौन? आप लाएंगे और कौन लाएगा? अरे आपके पास तो दुनिया का सबसे ताकतवर जिन है, उससे कहिए ना। सुना है वजीर आला कि जिन जिन्नात के पास हर काले जादू का तोड़ होता है। चिराग के जिन से तोड़ तो निकलवाएंगे, लेकिन तुम्हारा जैसे एक माशूक अपनी माशूका का इंतजार करता है, बिल्कुल वैसे ही हम इस चिराग के चिन्ह का इंतजार करते हैं। आका। अरे आप आइए आइए आइए। हमें तो लगा था कि आप बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के चक्कर में
इस बात को भूल ही जाएंगे कि आपको हमसे भी मिलना होता है। अबे यही तो बड़ी बात है हमें, ये बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन ये छोटी बातें हमें याद रह जाती हैं। क्या बात है। जाहिल, बेवकूफ, बदतमीज, सब कुछ। आराम से आता। ऐसे गहरी सांस लीजिए उसके बाद बताइए। ज्यादा कुछ नहीं, बस अली साहब ने सबके सामने इस बात का ऐलान कर दिया कि हम गुम हुई हुई सारी औरतों को वापस ले आएंगे। समझता क्या है वो अपने आप को? रहनुमा? क्या नहीं, वो खुद को आवाम का रहनुमा समझता है। समझेगा ही, क्योंकि उसे लगता है कि वो हमारा राज जान चुका है और बस हम ये रत्ती भर सोना जो उससे ले रहे हैं उसके एहसान के बदले वो जो चाहे कर सके, और इसकी वजह से उसका दिमाग है ना, उसका जो सर है सातवें आसमान पे पहुंच गया। आपका दिमाग चाहे सातवें आसमान में पहुंचे या सत्रहवें, रहेगा तो वो जमीन पे ना, और जमीन पे आप है और आपका ये ताकतवर जिन, और तो मक्खी कितना भी ऊपर उड़ जाए बाज नहीं बन सकती। दो चिड़िया साथ आ जाए तो बाज को भी धूल चिटा सकती है ना। आका ने गायब औरतों को वापस लाने का हुक्म दिया है, इसलिए पूरी बात समझाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ गुफा में लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें भालू लगता हूँ जो तुम मुझे यहाँ गुफा में लेकर आए? मैं महलों में रहने वाला भालू, मेरा मतलब है जिन हूँ। मैं यहाँ गुफा कभी नहीं आया। तुम इस गुफा में कभी नहीं आए हो? कभी नहीं। तुम्हारी ताकतें क्या हैं? मतलब क्या क्या कर सकते हो? एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, मधुमक्खी के झुंड को रोक सकते हो, उड़ती हुई छड़ियों को उससे लड़ सकते हो। कुछ तो याद कर मेरे भाई। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? मैं ये बच्चों वाले खेल नहीं खेलता। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर जिन हूं। मैं पहाड़ तोड़ सकता हूं, नदियों का रुख मोड़ सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, बहुत जज्बात है और बहुत मोहब्बत है मेरे भाई। तुमने अभी मुझे भाई क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि नैत जी आप मेरी बहन को मदद करने में मेरी भाई जैसी तो मदद कर रहे हैं, इसलिए मुझसे निकल गए। जिनो तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, जिसने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई। ये कौन सी यादें हैं जो बार बार मुझे सताने चली आती हैं?
और इस अली की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? ए, ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं जो तुम मेरे गले लग रहे हो, ये तो मैं अपने आका के लिए कर रहा हूं, समझे? इसलिए तुम मुझसे दूर रह के बात करो, दुनिया के सबसे ताकतवर जिन से दूर रहना चाहिए। शायद उस अली को पता नहीं। आका, आपके पास राजे कायनात है, सोन मीनार है, मैं हूं, अरे दुनिया का सबसे ताकतवर जिन है आपके पास, तो फिर आप ये छोटी छोटी बातों से परेशान क्यों जाते? इत्मीनान रखिए। वैसे वैसे आपको पता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि अली ये जो बगदाद में आया है उसके पीछे उसका कोई बड़ा मकसद है। शाबाश, क्या बात है, हमारी सिखाई हुई बातें अब हमें ही बता रहे हो। हम शुरू से जानते हैं कि वो किसी खास वजह से हमारा दोस्त बना है और हम भी सोन मीनार के सोने के लिए। सही कहा तुमने। आका, बस एक बार हमें अली का सारा सोना मिल जाए, उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं जब जादू कर रहा था तो बाहर मौसम खराब हो गया और अचानक से बिजली कड़कने लगी और उस कड़कती हुई बिजली में मेरा जादू गड़बड़ा गया और अचानक से हरी रोशनी आई और लगभग बगदाद की सभी औरतें गायब हो गईं। तो क्या उस जादू को हम उल्टा कर सकते हैं? जादू को उल्टा? हाँ शायद, क्योंकि मेरा जादू गड़बड़ाया था इस आंधी तूफान और इस बिजली की वजह से, तो शायद सही भी इस तूफान और इस बिजली की वजह से हो जाए। हमें ऐसा ही एक तूफान लाना होगा जिसमें बिजली कड़के। अरे तुम तो तूफान पैदा कर सकते हो ना, जिस ताकतवर जिन। अरे ये आसमान मेरी खाला का घर नहीं है, जो मैं जब मर्जी आए वो कर लूं। इसलिए हमें वैसा ही तूफान लाना होगा और वैसी ही बिजली कड़कानी होगी। मगर अफसोस, मैं ऐसा कोई जिन नहीं जानता, कोई जादूगर नहीं जानता जो ये कर सके। मैं जानता हूं। उसके बाद अली का क्या करना है ये हम दोनों बखूबी जानते हैं। अली साहब तो आपके दोस्त हैं और काली ताकतें हासिल करने के लिए कई कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। अरे दोस्त अपने दोस्त के लिए एक छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकता। बेहतरीन बेहतरीन। अगर थोड़ी देर और हो जाती ना तो जफर के सामने ही मेरा वहम का जादू खत्म हो जाता। वहां आका असली जिनों के साथ सारा मामला समझ गए और यहां नकली जिनों से बात करके जफर ने हमें अपना असली इरादा बता दिया है।